जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा कर्नाटक में, किस तरह से आप इस डिसीजन को देखें? देखिए पहले उनको जीतने दीजिए, जीतने के बाद वो क्या करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, G20 जो होने जा रहा, पहली बार इतना बड़ा जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं, क्या जम्मू इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहाँ नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से नहीं किसी ने बात नहीं की कि यहाँ क्यों नहीं G20 हुआ, क्या वजह है? क्या जम्मू इम्पोर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड कि हमारी जेब में है। Y20 की यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में मीटिंग हुई थी उसी को लेकर, G20 की मीटिंग यहाँ होनी चाहिए। सर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं उनको जम्मू में जो है फैसिलिटीज रहने के लिए दी जाएंगी, इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको देखता हूँ कि ये आपके कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, डोगरा जबान ख़त्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन ख़त्म हो जाएगा, बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या NCC के लिए कुछ कदम उठाएगी? जब वक्त आएगा इंशाल्लाह उठाएगी, जरूर उठाएगी। सर असेंबली इलेक्शंस के लिए, क्योंकि डेक्स ऑल क्लियर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई, मुझे असेंबली इलेक्शन की कोई परवाह नहीं, कब करेंगे करें इनकी मर्जी है। सर अभी जिस तरह पूर्व सिरोजोरी में जो आतंकवाद बढ़ा है, जिस तरह से वहाँ आतंकवाद कभी खत्म हो गया था, ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का, आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे सिर्फ बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है, अफसोस है। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है, मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर जिस तरह से ऑपोजिशन यूनिटी की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2020 साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सभी ऑपोजिशन पार्टीज आ पाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट? मैं कोई ऐसा चिराग मेरे पास नहीं है तिलिस्मी की जिसमें मैं कह सकूंगा होगा, कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि इनमें वो बात आए, जैसे सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा है एक कैंडिडेट एक के खिलाफ, उससे आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। करें कि इनमें वो हिम्मत आए कि वो करें। सर आप गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास रह चुके हैं, उनके पास से इतफाक रखते हैं, जहां वो 370 के अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो पुलवामा के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए वो खुद ये कहते हैं कि पुलवामा हमारी गलती थी, हमने 5 जहाज प्रोवाइड नहीं किए इन सिपाहियों को वहाँ लाने के लिए, और जितने भी इंटरसेक्शंस थे उस रोड के उन पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और 3 हफ्ते से वो गाड़ी 300 किलो RDX लेके घूम रही थी और किसी ने उस गाड़ी को पकड़ा नहीं, और जब उसे पूछा गया और उसने कहा चुप कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसे कहता है खबरदार कुछ मत कहिए, हमने वहां लगाना है, जिससे बालाकोट हुआ। सर अभी पंचायत इलेक्शंस की भी बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का कुछ तो हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन होगा, पंच आएंगे, वो बेसिक डेमोक्रेसी है। जब मैं हुकूमत में था मैंने पंचायत नया लॉ लाया था पंचायत का, मैंने अपने मिनिस्टर कर्नाटका वगैरह भेजे थे कि बेहतरीन कानून लाए, लाया हमने, अच्छा है पंचायत इलेक्शन होंगे, हम लोग लड़ेंगे पंचायत इलेक्शन,
डीडी से इलेक्शन होंगे, हम लड़ेंगे, हम कोई इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं, मगर हमसे भीख नहीं मांगेंगे कि इलेक्शन करो, हम भीख नहीं मांगेंगे।